दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3.27 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,47,67,549 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 9,92,914 मौतें हो चुकी हैं। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रही है। फिलहाल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके सिंगल डोज के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, सेफ्टी प्रोफाइल और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिहाज से सिंगल डोज के टेस्ट किए गए। इससे अगले क्लिनिकल ट्रायल्स में मदद मिलेगी। इस वैक्सीन का नाम AD26.COV2.S है। ये कोविड संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगी। राष्ट्रपति ट्रंप वादा कर चुके हैं कि साल के आखिरी तक अमेरिका में 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगे। उनका कहना है 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।